हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 का जो मॉडल पेपर आया था बिहार बोर्ड का, उसी का आंसर की डिस्कस करेंगे। ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 2021 का जो हिस्ट्री का मॉडल पेपर है उसका आंसर की अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के देख लें। और ये इंग्लिश का मॉडल पेपर का आंसर है जो हम अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप क्या करें, एक कॉपी खोल लें और सारे पॉइंट को एक एक करके नोट करते जाएं, क्योंकि एक होता है अनमोल वचन, आज ये हमारा चलेगा एग्जाम वचन। तो आप याद रखें कि एग्जाम में क्वेश्चन यही से आने वाला है। तो हम लोग अच्छा एक बदलाव बता देते हैं आपको। हम हर साल की तरह कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल क्या बदलाव हुआ है कि पहले क्वेश्चन रहता था 60 और आंसर देना था 50। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो, इस बार क्या कर दिया है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपको 100 और आंसर 50 का ही देना है। तो ज्यादा बदलाव नहीं है, छोटा सा बदलाव है, आप इसको ध्यान में रखें। मतलब आप क्या करें, सिर्फ 50 को ही टिक लगाना है, और अगर गलती से आप 50 की जगह 51 को टिक लगा देते हैं तो ऊपर से 50 को टच किया जाएगा, फिर नीचे का जो एक रहेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो आप सही से बनाए और ध्यान अच्छे बनाए प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर एक होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो आपको देखना है क्वेश्चन क्या चीज का है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है चूज करने के लिए, कह रहा है क्या चीज को चूज करना है, तो पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस से क्वेश्चन पूछा है। पहला ही क्वेश्चन आपको क्या देखने के लिए नजर आ गया मॉडल पेपर में कि वॉइस का क्वेश्चन है और चूज करने के लिए बोला आपको पैसिव वॉइस। पहले हम आपको वॉइस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि वॉइस दो होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपको पैसिव वॉइस। तो आपको क्या बोलेगा एग्जाम में, एक्टिव दे देगा और पैसिव पूछेगा, साथ में चार ऑप्शन दे देगा, या एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जो पैसिव दे देगा और एक्टिव पूछेगा। तो आपको बस देख लेना है क्या चीज चूज करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया आपको चूज करने के लिए बोला, पैसिव वॉइस को चूज करने के लिए बोला है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। अच्छा, पैसिव वॉइस बनाने का दो कॉन्सेप्ट, एक तो कॉन्सेप्ट है और दूसरा आपको ट्रिक है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो हम इसको बनाने का पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर हम आपको ट्रिक बता देंगे, देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन कौन टेंस का है। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट लिखते हैं यहां पर हम, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट आपको कह रहा पहले सब्जेक्ट होगा, फिर यहां क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, मतलब सेल होगा या विल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या है, आपको ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए हिम आपका ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट और आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट है। इसको आप बोल दे पहला ऑब्जेक्ट और इसको आप कह दे दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू, उसके बाद और भी कुछ है, हाँ सर अदर वर्ड्स लिखा हुआ है, इसको आप बोलेंगे अदर वर्ड्स। आप क्या कर सकते हैं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आप पहला ऑब्जेक्ट को उठा के ला सकते हैं और आप दूसरा ऑब्जेक्ट को उठा के ला सकते हैं, किसी एक को उठा के लाना है। जब ऑप्शन देखिएगा आप तो क्या देखिएगा, यहाँ पे हिम था, जब हिम एक्टिव में आता, सॉरी जब हिम आप पैसिव में बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ही हो जाता है। आपको रूल नहीं पता है तब यहाँ से लिख ले रूल, जैसे ही का जो पैसिव होता है वो हिम होता है और हमेशा बाय के साथ लिखते हैं पैसिव में। जैसे आप अगर सी की बात करेंगे तो सी का हर हो जाता है, अगर आप आई की बात करते हैं तो आई का मी हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लीजिए आप यू का बात करते हैं तो यू का जो पैसिव में जाता है ऑब्जेक्ट बनता है वो यूर हो जाता है, सॉरी यू का यू ही होता है। जैसे आप वी का बात करेंगे तो वी का आपको अस हो जाता है, और एक और है दे, और दे का बात करेंगे तो दे का आपको देम हो जाता है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या था, हिम है, मतलब क्या है यहाँ पे, हिम है, तब हिम आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, कहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ये ही में बदल जाएगा। तो सारा ऑप्शन में आपको ही दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसका पहले कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का। ये आपको एक्टिव, ये कौन सा आपको एक्टिव, इसका क्या बदलना है आपको, पैसिव बदलना है। बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाएंगे आपको, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट वन को उठा ले, फिर ऑब्जेक्ट वन को उठा लिया सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया तो रियल में वो सब्जेक्ट ही हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं चलेगा। उसके बाद आप सेल लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद या विल लिख सकते हैं, उसके बाद जो सेल विल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको बी लगाना है तब भरकर तीसरा। इसलिए वॉइस क्या कहता है, वॉइस की बात कर रहे हैं हम, वॉइस कहता है कि जब भी आप वॉइस बनाते हैं तो आपको भरकर तीसरा फॉर्म यूज करना है, उसके अलावा कोई फॉर्म यूज नहीं करना है, तो मतलब तीसरा फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो V3 V1 को V3 में बदलने से पहले आपको
बी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, तब जाकर के भर का तीसरा फॉर्म यूज करना है। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, बाय का यूज करना है, फिर जाकर के ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू था, इस ऑब्जेक्ट टू को आप यहाँ पे नोट कर दे, छोड़ के नहीं जाना है आपको, आप यहाँ पे क्या करें ऑब्जेक्ट टू को नोट करके रखे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी अदर वर्ड्स आएगा उसको पुट कर सकते हैं। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपको, लेकिन आप ट्रिक से बनाए, कॉन्सेप्ट बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है जब सब्जेक्ट ही बना रहता है। जैसे मान लीजिए और बिना ऑप्शन का बनाना है आपको, डायरेक्ट आंसर बताना है, तब जाके आप कॉन्सेप्ट लगाए। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दे दिया गया तो सिर्फ ट्रिक लगाए, ट्रिक कैसे लगाएंगे वो हम बताते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे सेल है या विल है, तो सेल या विल का आपको ट्रिक याद रखना है कि सेल और विल का वॉइस क्या होता है। हम आपको बता देते हैं कि सेल और विल का वॉइस बी लगा कर बनाते हैं। कहने का मतलब आप क्या करें, जैसे सेल या विल रहेगा इसके साथ बी लगा देना है आपको। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, सेल रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा सेल बी या विल बी, विल रहेगा उसका भी वॉइस हो जाएगा सेल बी या विल बी। अब देखिए यहाँ बताइए विल लिखा हुआ है, आप ही बताइए कि विल का वॉइस क्या होगा। सर या तो सेल बी होगा या तो विल बी होगा। अब देखिए किसमें सेल बी या किसमें विल बी लिखा हुआ है, तो आपको एक ही ऑप्शन देखेगा जिसमें सेल बी लिखा होगा या उसमें विल बी लिखा होगा। जैसे देखिए यहाँ इज लगा दिया है तो इज नहीं हो सकता है, इज किस नहीं होगा, इज इसलिए नहीं होगा कि इज पैसिव होता है किसका, जब भर्ब का पहला रूप या भर्ब का पांचवा रूप लिखा रहेगा तो उसका पैसिव होता है इज अमार के साथ बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते हैं। लेकिन तो यहाँ होगा नहीं, का है कि यहाँ आपको भर्ब का पहला या पांचवा नहीं है। अच्छा विल का आंसर आपको दिख गया होगा क्योंकि यहाँ विल है, मतलब इसका पैसिव विल भी होगा। यहाँ आपको दिख रहा है कि पैसिव क्या दिया है, विल भी दिया गया, इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक का हम आंसर देख चुके हैं और उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, देखिए पहले ये देखिए कि पहले फिल द ब्लैंक्स दे दिया गया है और कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। जैसे लिखा है यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, ये आपको मॉडल्स का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट एक्जुरी वर्ब, मॉडल्स कहाँ से निकलता है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले बात करना पड़ेगा आपको वर्ब के बारे में। जब आप वर्ब का यह नाम लेते हैं तो वर्ब दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है आपको एक्जुरी वर्ब। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक्जुरी वर्ब का। अच्छा मेन वर्ब के बारे में आप जानते होंगे कि पांच को पार्ट बटा हुआ, कहने का मतलब जैसे रावण का 10 को मुंडी होता है ना, उसी तरीके से ये जो मेन वर्ब है इसका 5 को मुंडी है। अभी हम दिखाते हैं कैसा कैसा मुंडी है। पहला ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, पहला मुंडी है। ये वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया, दूसरा मुंडी है। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, तीसरा मुंडी। ये वर्ब का चौथा फॉर्म, चौथा मुंडी। ये वर्ब का पांचवा फॉर्म, पांचवा मुंडी। इसका मतलब ये पता चला कि मेन वर्ब का क्या मुंडी है, 5 को मुंडी है। और रावण का क्या मुंडी था, याद रखिएगा कमेंट करके बताइए कितना मुंडी था, पूछेंगे जरूर आपसे हम। आगे आ जाते हैं, बात हो रहा है एक्जुरी वर्ब का। ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। जैसे एक हम बात करेंगे मॉडल्स का, दूसरा बात करेंगे सेमी मॉडल्स का। सेमी मॉडल्स मतलब तीन को इसमें से बदमाशी कर रहा था, उसको उठा के पटक दिया किसमें, सेमी मॉडल्स में। नाम सुने होइएगा, नीड, डेयर और Used to। तीसरा बात करेंगे हम प्राइमरी का, प्राइमरी में आता है इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैज, डू, डज, डिड। तो टोटल जब बात करेंगे एक्जुरी वर्ब का तो टोटल 24 होता है, जिसमें कुछ 10 आता है मॉडल्स में और 3 आता है आपको सेमी मॉडल्स में, और बाकी जो 11 हो जाएगा आपको किसमें चला जाएगा आपको, तो प्राइमरी में। तो क्वेश्चन एक्जुरी वर्ब से पूछा है, मतलब मॉडल से भी रह सकता है, सेमी मॉडल से भी रह सकता है और प्राइमरी में से रह सकता है, किसी में से रह सकता है। आप आराम से क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करें। क्वेश्चन पूछा है डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कहां से पूछा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको उड हो जाएगा। उड कैसे होता है वो कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, अब याद कर लीजिएगा। उड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब उड का आप हिंदी निकालते हैं तो उड का हिंदी निकलता है गा, गे, गी। क्या निकलता है, गा, गे, गी। लेकिन जब इसका यूज क्या करना, जब भी आप बात करते हैं पोलाइटली, जब भी आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब वहां पे आपको क्या यूज करना है, तो उड का यूज करना, पोलाइट प्यार से बात कीजिएगा। उड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कॉफी ला दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड। नंबर 3, I found this ring while I was in the garden। ये आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा हम आपको ट्रिक बताते जाएंगे और आप अच्छे से ट्रिक को याद करते चल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, बस कुछ नहीं देखना है आपको, इस while को देखना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, while लिखा गया, बस ये while को देखिए। while क्या कहता है, अगर आप
इसके साथ अच्छा व्हाइल का काम समझिए पहले। व्हाइल का काम है कनेक्टिंग है, दो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ देगा। जैसे जोड़ने की बात हो रहा है तो एक सेंटेंस एक तरफ आपको अगर सिंपल पास्ट का दिखे, भर का दूसरा रूप दिखे, तो आप समझ जाइए कि अगले तरफ कोई ना कोई काम को रनिंग करना पड़ेगा। रनिंग कैसे करेंगे, अगर प्रेजेंट का बात हो तो प्रेजेंट में जाएंगे, पास्ट का बात हो तो पास्ट में जाएंगे। तो यहां आपको कहां जाना है, पास्ट में जाना है। मतलब आपको क्या करना है, वाच के साथ या वेयर के साथ, दोनों याद रखिएगा, वाच भी आ सकता है वेयर भी आ सकता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, आपको बताइए बात। उसके साथ भर्ब का कैमा यूज करना है तो चौथा यूज करना है। मतलब आपको एक तरफ भर्ब का दूसरा देखना है और सेकंड तरफ दूसरी तरफ आपको वाच वेयर के साथ मतलब हेल्पिंग भर्ब के साथ भर्ब का चौथा रूप देखना है। जैसे देखिए यहां पे आपको भर्ब का दूसरा रूप दिख रहा होगा, फाउंड लिखा हुआ है, फाउंड का पहला फाइंड होता है खोजना। आई फाउंड दिस रिंग, मतलब सपोज कीजिए कि अंगूठी है, अब इसको आपको मिला है, कब मिला, जब आप खुदाई कर रहे थे, कहां पर, तब बगीचा में खुदाई कर रहे थे। तो यही कहना चाह रहा है कि एक तरफ भीटू रहेगा तो दूसरी तरफ वाच वेयर प्लस भर का चौथा पुट करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख के आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आई के साथ लगाना है वाच डिगिंग, डिग डैग डग डिगिंग और डिक्स होता है, पांच रूप याद करेगा कि भरफम्स आपको याद रहेगा तो एग्जाम का क्वेश्चन बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार को। क्वेश्चन नंबर चार है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच करना, मतलब नरेशन का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि नरेशन दो होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको क्या कर रहा है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट दे दिया है आपसे, इनडायरेक्ट पूछा है। इनडायरेक्ट बनाने का तरीका देखिए, आपको कुछ नहीं करना, जब अगर आप एग्जाम में तुक्का लगा के बनाना चाहते हैं तो तुक्का लगाने का हम ट्रिक बताते हैं आपको। आप बस यहाँ ये देखिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पैक होगा, बस इस इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। इन्वर्टेड कॉमा को जब भी आप डिलीट करते हैं तो उसके बदले में आपको यूज करना पड़ेगा, हम बताते हैं क्या क्या यूज करना है। जैसे अगर आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव हो, क्या हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो आप क्या करें, उसके बदले में सिर्फ डैट का यूज करें। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो सेंटेंस अफर्मेटिव का नहीं है, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव का सिंबल होता है। तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बदले में मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको या तो इफ का यूज करना है या तो वेदर का यूज करना है, इस दोनों में कोई एक कंजक्शन का यूज करना है, या तो इफ या तो वेदर। लेकिन इफ का यूज करने का संभावना 90% रहता है और वेदर का यूज करने का संभावना 10% रहता है। तो आपको ध्यान रखना कि ज्यादातर क्या यूज करना है, इफ का यूज करना है और कभी कभी क्या यूज करना है, वेदर का यूज करना है। आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि इफ का यूज किया है कि वेदर का यूज किया है, तब हम आपको ऑप्शन में देखते हैं। जैसे देखिए हमने अभी जस्ट बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का यूज करेंगे, पहला ऑप्शन में इफ नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या गलत है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी में आपको इफ का यूज किया गया, मतलब इस पे रुकेंगे, ये आंसर नहीं है, रुकना है इस पे। ऑप्शन नंबर सी में भी देखें इफ है, आपको रुकना है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या किया, डैट लगा दिया गया, इसका मतलब ये भी क्या आपका गलत है। अब दो ऑप्शन बचा आपके पास, अब क्या करेंगे सो देखिए। जब आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं इसमें क्या होता है, जो आपका सेट लिखा रहता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जो सेंटेंस लिखा रहता है वो सेट लिखा रहता है, वो आपको बदल जाएगा किस में, तो आस्क में। अब आप देखें किस में आस्क लिखा हुआ है, सर दोनों में आस्क लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, फिर आपको आगे चेक करना पड़ेगा। अब क्या होता है, इस सेंटेंस को आपको सीधा करना पड़ेगा, सीधा कैसे करते हैं सो देखिए। जैसे आपको इंट्रोगेटिव है इसको अफर्मेटिव बनाना है, सीधा कीजिएगा तो जो डिड यू डू दिस है वो आपका हो जाएगा You did do this। जब you did do this को आप चेंज कीजिएगा तो अब देखिए क्या होगा, ये कौन पर्सन है आपका, सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन क्या होता है, बदलता है, नरेशन में कॉन्सेप्ट है कि सेकेंड पर्सन क्या होता है, बदलता है, कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एक SON का नाम आप सुने होइएगा, SON, S मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बदलता है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन भी क्या होता है, बदलता है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन थर्ड पर्सन जो होता है वो नहीं बदलता है, मतलब उसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ कौन पर्सन है आपको, यू, सेकेंड पर्सन, इसका मतलब यू क्या होगा, बदलेगा। यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब द बॉय, इसका आंसर हो जाएगा आपको ही हो जाएगा। अब आपको देखना है समय क्या ही है, हाँ सर ये दोनों ऑप्शन में क्या ही है। लेकिन क्या होता है इसमें, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उधर अगर आपका पास्ट सेंटेंस रहेगा तो पास्ट वाले में क्या होता है, टेंस भी बदलता है, इसका मतलब आपको टेंस बदलना भी सीखना पड़ेगा। हम बताते हैं टेंस को कैसे बदलेंगे।
टेंस बदलने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब अगर V2 रहेगा तो V2 को कर देगा हम लोग हैड प्लस V3 में कर देंगे, तो जिसके साथ हैड प्लस V3 होगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इस दोनों में किसके साथ हैड प्लस V3 है, यहाँ इसके साथ हैड प्लस V3 है लेकिन इसके साथ हैड प्लस V3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से आप नोट कर ले और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम देने में मजा आ जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दिस फ्लावर्स दैट स्वीट, मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं, जब भी नेचुरल, कहने का मतलब जो भी एक्चुअली, कहने का मतलब जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जैसे वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा। ये कह रहा है दिस फ्लावर्स दैट स्वीट, फ्लावर जो होता है वो आपको सुगंध देता है कि नहीं देता है, हाँ देता है, तो आपको यूज करना या तो स्मेल होगा या तो स्मेल्स होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का पांचवा उठा के रख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब का पहला उठा के रख देंगे। अब आपको यहां देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो एस लगा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है, अब प्लूरल वाला कौन होता है, बिना एसईएस वाला, तो आपको यहां से ये उठा के रख देना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पैरोल अंडरलाइन किया गया एक वर्ड और पूछ रहा है ये क्या है, कहने का मतलब एक मीनिंग दे दिया गया है, नीचे आपको चार ऑप्शन में दिया रहेगा, अब पूछेगा वो किसका मीनिंग है, तो कहने का मतलब पैरोल का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। पैरोल का मतलब होता है जब आप कोई गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं कुछ समय के लिए, एक साल में ज्यादा आप 2 हफ्तों के लिए छुट्टी ले सकते हैं, जिसको पैरोल कहा जाता है। तो बताइए कंडीशन मिले आपको, कंडीशन शर्त लगा करके आपको जेल से रिहा किया जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग पैरोल कहा जाता है। कितना मूवी बना हुआ है पैरोल पे, और आप देखे होगा तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि कौन सा मूवी है, मूवी का नाम बताना है आपको। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, जेल से रिहा करने के लिए कुछ शर्त अनुसार आपको रिलीज किया जाएगा, जिसको एक वर्ड में हम लोग पैरोल कहते हैं। तो याद रख, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, आपको चार ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन क्या है सही है, जिसको आपको चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, सारा क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको सेम लग रहा होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, तो जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स द का यूज किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल्स का यूज नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में ए का यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर डी में एन का यूज किया गया, इसका मतलब आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। अगर आपको आर्टिकल्स आता है तो आप इसका आंसर अपने आप खोज लीजिएगा, नहीं आता है तो हम छोटा सा ट्रिक बताते हैं जो एग्जाम के लिए ट्रिक है, एग्जाम भर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई मत कीजिएगा का नहीं काम करेगा, बस एग्जाम के दिन आपको अप्लाई कीजिएगा। आइए बताते हो ट्रिक क्या करना है, सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आर्टिकल्स लगाते कहाँ है। अब याद रखें कि पहले सब्जेक्ट आता है, कभी इंग्लिश का बात होगा तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आर्टिकल्स दो ही जगह आ सकता है, या तो सब्जेक्ट के पहले और या तो ऑब्जेक्ट के पहले, इसके अलावा कहीं भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। आर्टिकल्स आने का दो ही स्थान है, या तो सब्जेक्ट के पहले या तो ऑब्जेक्ट के पहले, कभी भी वर्ब के पहले आर्टिकल्स नहीं आता है। जब सब अच्छा आर्टिकल्स की बात बोले तो आर्टिकल्स पहले थोड़ा सा जान लीजिए आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होता है, 3 नाम तो सुने होइएगा, एक हमारा ए, दूसरा है एन और तीसरा है द, बस इस 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होता है, इसलिए आर्टिकल्स 3 होते हैं लेकिन टाइप में 2 होते हैं, हम 3 की बात करें। अब आपको यह देखना है कि आर्टिकल्स यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, ऐसे आर्टिकल्स का बहुत सारा रूल है, उतना रूल आपको याद नहीं करना है, बस एक ब्रह्मास्त्र आपको हम दे रहे हैं उसको रट के जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जब भी सब्जेक्ट के पहले आपको लगाना होगा, कहाँ की बात करें, सब्जेक्ट के पहले लगाना हो, आंख बंद करके आप आर्टिकल्स द को उठा के पटक दे, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट के पहले लगाना होगा तो आंख बंद करके आप आर्टिकल्स ए या एन में से ए को उठा के पटक दे। लेकिन आप फंसिएगा यहां नहीं, फंसिएगा आप यहां फंसने का संभावना हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ए कहां लगता है और एन कहां लगता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये सीखे रहते हैं बचपन में कि क्या होता है ए ई आई ओ यू के पहले क्या लगाना, एन लगाना, ऐसा रट के जाते हैं, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, इसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आप ए ई आई ओ यू के पहले एन लगाते हैं तो बहुत सारा ऐसा एग्जांपल हम आपको दिखा देंगे उसके पहले एन नहीं लगता। जैसे मैं आप ले लीजिए यूनियन को, यू एन ओ एन यूनियन, अब बताइए इसके पहले क्या एन लगा देंगे, नहीं, गलती हो जाएगा। जैसे आप ले लीजिए यूरोप को, यूरोप में ई से स्टार्ट होता है,
अब बताइए स्टार्ट है, इसमें आता है ना, इसके बल एल लगा दीजिएगा। नहीं, ये एरर है, ये फॉर्मूला गलत है, इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करना है। इसके लिए हम आपको आज से नया फॉर्मूला देते हैं, उस फॉर्मूला को अप्लाई करें। जैसे मैं हिंदी में बात करें, कैसे बात करना है, जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, हिंदी में बात करें, हिंदी में कॉस से पहले की बात कर रहे हैं, आप आज से वहां आर्टिकल एल लगा दीजिएगा। लेकिन जब कॉस से लेकर के ज्ञान तक का बात हो तो यहाँ पे आर्टिकल ए को पुट करना है। बस इस ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। तो इस ट्रिक को याद रखें, नोट कर ले, अच्छे से पढ़ के जाए ताकि एग्जाम में आपका एक नंबर छूट ना पाए। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो यहाँ देखिए आर्टिकल ए लगा दिया है, पता चल गया कि आर्टिकल्स अगर ए का बात होगा, ए या एन का बात होगा, तो उसको ऑब्जेक्ट के पहले पुट करेंगे, सब्जेक्ट के पहले पुट नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के पहले पुट कर दिया आर्टिकल सी, मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ एन लगा दिया। अब बताइए पोजिशनेस है, मतलब बी के पहले, मतलब प के पहले। अब बताइए प के पहले कभी एन आता है क्या? देखिए कब आता है, क के बाद ना आता है, ए आएगा। तो यहाँ ए लगा के देख दिया, मतलब आपको बेवकूफ बनना है। तो आपको ध्यान रखना है, बेवकूफ नहीं बनना है। तो एक नंबर आपको छूट जाएगा, इसको भी काट दीजिए। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर ए और बी। लेकिन जब बोले कि पोजिशनेस एक नाउन है, क्यों नाइन है, नाउन है तभी तो वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के स्थान पे मतलब आर्टिकल्स लेगा, आर्टिकल्स लेगा तो कौन सा लेगा, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल्स ड लेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन कंबाइन करना। आपको क्या करेगा, दो सेंटेंस दे देगा और दोनों को कहेगा जोड़ देने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए। नट बोल्ट टाइट नहीं करते हैं, ये टाइट करना है आपको। आइए दिखाते हैं कैसे टाइट करेंगे। कुछ नहीं, एक बार बोला दे आर प्रीटी और फिर बोला दे आर इंटेलिजेंट, मतलब एक ही इंसान में दो गुण है और दोनों को कंबाइन करना था। जब भी बात होगा हमारा बॉथ का, बॉथ मतलब क्या, एक ही इंसान में दो कोई गुण होगा उसको जोड़ने का बात होगा, तो आप उसको एज वेल एज से जोड़े। अब आप देख करके आंसर कह दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में एज वेल एज से जोड़ा गया है, पहला में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। सेकेंड में है क्या, हाँ सेकेंड में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है हमारा, सुमित इज अ हार्ड डैश टू क्रैक। कहने का मतलब इसमें देखिए, जैसे नट, नट का मतलब अखरोट होता है, अखरोट क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है, इसको आप तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये कह रहा है कि सुमित इज अ हार्ड नट टू क्रैक, कहने का मतलब अखरोट को तोड़ना उतना आसान नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा, ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। कहने का मतलब महाराष्ट्र को छोड़ने की बात हो रहा है और कर्नाटका को पकड़ने का बात हो रहा है। तो मेरा एक ब्रह्मास्त्र रूल है, आप उसको याद करके रखें, आपके एग्जाम में काम आ सकता है। ब्रह्मास्त्र क्या है वो बताते हैं। जब भी आपको किसी भी चीज को पकड़ने का बात होगा, पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो पकड़ने की बात हो तो आप क्या कर रहे, प्रीपोजिशन टू का यूज करें। कब, जब पकड़ने का बात होगा तब। लेकिन अगर आपको छोड़ने का बात होगा तो छोड़ने के पहले आप बात करें कौन सा प्रीपोजिशन, जरा आप भी बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। फ्रॉम, पकड़ने का बात हो तो टू लगाए, छोड़ने का बात हो तो फ्रॉम लगाए। बस सेम क्वेश्चन उठा के पटक दिया आपके एग्जाम में। क्या पूछेगा, ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र, तब बताए महाराष्ट्र को क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है, तो छोड़ने के लिए क्या लगा है, फ्रॉम लगा है। अब वो कर्नाटका को क्या करेगा, पकड़ेगा, तो पकड़ने के लिए कौन सा यूज करना है, टू का यूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू। देखिए कौन सा ऑप्शन में टू है, जिसमें टू लिखा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग पूछ रहा है आपसे, बता रहा है कि चार स्पेलिंग आपको दे देगा अब के एग्जाम में, और पूछेगा कि कौन सा स्पेलिंग सही, जिसमें तीन स्पेलिंग गलत रहता है। अब आपको देखे बताना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। पहले देखिए इसका जो सही स्पेलिंग हो जाएगा, ऐसे ये गलती है, ये स्पेलिंग नहीं होता है कुछ, इसका स्पेलिंग ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सैग्रेट। एक्सैग्रेट का मतलब होता है किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के, नहीं कहते हम लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलना, दैट इज कॉल्ड एक्सैग्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग क्या करें, स्पेलिंग आपके एग्जाम में दो तीन रहेगा, तो आप स्पेलिंग को अच्छे से रटे, प्रैक्टिस करें, कहीं कहीं देखे कोई भी मीनिंग आपके जुबान पे आता है तो आप उसका स्पेलिंग सोचने का कोशिश करें, ताकि आपका स्पेलिंग इंप्रूव हो सके। इससे क्या फायदा होगा आपको, कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, आपका रिजल्ट आपके हाथों में, आप बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
आपको क्या पूछा, सिनोनिम्स पूछा, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक, सेम टू सेम का वर्ड होता है कि नहीं होता है। तो सिनोनिम्स डिनाई के बारे में आपको, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मन से जब किसी बात को हम लोग अस्वीकार कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिनाई होता है। अब डिनाई अस्वीकार करना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्यूज करना, रिफ्यूज का मतलब भी होता है मन से अस्वीकार करना, और डिनाई का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कहने का मतलब वन वर्ड सब चीज का मतलब है, अनेक शब्दों के एक शब्द होता है ना, वही बात कह रहे हैं। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो फूलों को तोड़ता है, फूलों को तोड़ने के बाद सेल करता है, उसको बेचता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फ्लावरिस्ट कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको सिंटेक्स का क्वेश्चन है। सिंटेक्स बोले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट ने क्या किया है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया है। क्या समझौता किया है कि पहले ये समझिए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल भी हो सकता है। उसी तरीके से जब सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आता है तो वर्ब के साथ भी सेम कंडीशन है, वर्ब हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब हमारा प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। क्यों, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कौन सा यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आएगा तो वर्ब कौन सा यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। तो ये दोनों के साथ क्या हो गया, एग्रीमेंट हो चुका है। यही चैप्टर से क्वेश्चन उठा के पटक दिया, आपके एग्जाम में पूछ भी देगा, कितनी बार पूछा भी गया, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और मॉडल पेपर से क्वेश्चन आने का संभावना इस बार कुछ ज्यादा ही है। तो आप अच्छे से मॉडल पेपर को देख ले और याद करके जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि आइदर से क्वेश्चन है, आइदर, अच्छा एक बात और याद रखिए, एक दो क्वेश्चन होता है, आइदर और या नाइदर नॉन, ये दोनों क्या होता है, ये अपने बाद आने वाले नाउन को फॉलो करता है। इसके बाद में नाउन क्या है, कोट है, तो आपको देखना है कि कोट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। तो कोट आपको दिख रहा होगा सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। पता कर लीजिए ऑप्शन देख रहे कौन सा सिंगुलर है। अब बताइए आर, आर सिंगुलर नहीं होता, इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। यहाँ देखिए हैव, ये नहीं होगा। अब आपको क्या होगा, इज होगा इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि आइदर माई शूज आर योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, और आपको क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनोम, मतलब विपरीतार्थक पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, इंटेलिजेंट का एंटोनोम क्या होगा। तो इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज, अडल का मतलब होता है भुस्काऊ नहीं होता है, तो उसका उल्टा भुस्काऊ नहीं हो जाएगा, तेज का उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डल। आइए तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट नरेशन आपसे पूछ रहा है, और आपको पता होगा कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको डायरेक्ट दे देगा और इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बोलेगा, और कभी कभी इनडायरेक्ट दे देगा और आपको डायरेक्ट में बदलने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ डायरेक्ट दे दिया और इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बोला है। इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका क्या वो लिख देते हैं, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को एक बार, जो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मोहन से टू द श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, मतलब श्याम को कह रहा है गुड मॉर्निंग, मतलब विश कर रहा है। आपको देखना है किसमें विश करने की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए में विश करने का बात हो रहा है, इसका मतलब इस पे रुकना है, ये आंसर नहीं है, इस पे रुकना है, देखना है, हो सकता है कि आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है, आस्क लिखा हुआ, पूछ तो रहा नहीं है, मतलब ये गलती हो जाएगा, कह तो रहा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी गलती हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है आपको, इसमें विश लिखा, इसका मतलब ये भी क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, अभी आंसर हो सकता है, आंसर है नहीं। अब आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर डी में क्या मिस्टेक है, आपको दिख रहा होगा क्या मिस्टेक, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, अरे पता चला कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी दोनों डी, ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों एक जैसा क्वेश्चन छाप के दे दिया है। तो आपके एग्जाम में भी कभी ऐसा हो सकता है कि दो आंसर मैच करे, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके वीडियो के शुरू में कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 देगा और बनाना कितना है 50 को, तो 50 क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, उसी में एक क्वेश्चन ये भी लीव कीजिएगा। आपको डाउट लगे नहीं बनाना है, जब लगे कि 100% ये आंसर राइट होगा तो उसको छूछा करना, अदरवाइज छूछा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा स्पेलिंग से स्पेलिंग पूछ रहा है, इसे पहले भी एक स्पेलिंग डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में बार बार, तो आप स्पेलिंग को अच्छे से देखकर जाइएगा एग्जाम हॉल में। पूछा है स्पेलिंग किसका, तो सेमिनार का स्पेलिंग पूछा, कभी भी सेमिनार वगैरह होता है ना, तो उसी सेमिनार का स्पेलिंग पूछा है, तो आपको सेमिनार का स्पेलिंग याद होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए SEMINAR सेमिनार का स्पेलिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18, सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, फिर आर्टिकल्स का क्वेश्चन पूछा है और आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट हम आपको दे चुके हैं कि कभी भी सब्जेक्ट के पहले आएगा तो आर्टिकल्स द को चूज कीजिएगा और ऑब्जेक्ट के पहले आएगा तो आर्टिकल्स ए और एन में से एक को चूज कीजिएगा। और ए और एन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप क से लेकर के ज्ञान तक की बात करते हैं तो ए को पुट करना है, लेकिन अगर आप क से पहले मतलब अ से लेकर के क से पहले की बात करेंगे तो आर्टिकल्स ए एन को पुट करना है। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट से पहले की बात करा था, बताइए ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल्स कौन सा यूज करना है, आर्टिकल्स ए या एन यूज करना है। यहाँ प का बात हो रहा है तो प के पहले आर्टिकल्स ए आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपका सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, मतलब सिंटेक्स का क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, सिंटेक्स का जो चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ के जरूर जाना, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसमें क्या है, यहाँ फिल ब्लैंक्स दे दिया है और चार गो आपको एक्जुअली वर्ब दे दिया है, आपको एक को उठा के पुट करना है। आप अगर इसको क्वेश्चन को अभी बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, डाउट नहीं आपका आंसर हम बता देते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा कि हम यही सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, आपका आंसर आएगा यहाँ पे वेयर आ रहा है, लेकिन ये आंसर 100% गलत है, ये आपका आंसर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए, कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी बीच में ऑफ आ जाए और ऑफ के पहले वाले को फॉलो करना है, ना कि ऑफ के बाद वाले को फॉलो करना है। बाद में आपको सिंगुलर दिख रहा है कि प्लूरल दिख रहा है तो प्लूरल दिख रहा है, इसलिए आप मन में क्या सोच रहे थे वेयर आंसर होगा, वेयर आंसर नहीं होगा, इसको काट करके निकाल देना है आपको। इसमें क्या है, यहाँ पे देखना है, अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो बताइए ये वन सिंगुलर की प्लूरल है, सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब क्या आएगा आपको सिंगुलर आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन ऑफ द बॉयज वाज सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कहने का मतलब चार ऑप्शन दे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि चूज कीजिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तीन ऑप्शन गलत होगा और एक ऑप्शन सही होगा, वही आपको चूज करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या चीज का क्वेश्चन है, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन श्रीता, कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपका डिग्री का क्वेश्चन है, डिग्री पहले डिग्री के बारे में एक छोटा सा बात आप जान लीजिए कि डिग्री क्या होता है, डिग्री आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लीजिए। डिग्री तीन टाइप्स होते हैं, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कॉम्परेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव का क्या रोल है वो समझिए, जैसे आप कोई भी हिंदी बोलते हैं ना एडजेक्टिव, वो पॉजिटिव होता है, जैसे बोले आप अच्छा, अच्छा का क्या हो जाएगा गुड, अगर आप बोले अच्छा, अच्छा का कॉम्परेटिव क्या होगा तो इसका दूसरा होता है बेटर, इसका सुपरलेटिव क्या होगा, इसका सुपरलेटिव आपको हो जाएगा बेस्ट। अब मेन कॉन्सेप्ट समझिए, आर्टिकल्स का क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछते रहता है, आपसे पूछेगा क्या करेगा कि पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स लगा कर दे देगा, तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स नहीं आता है, दूसरी बात कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल्स ही नहीं आता है, लेकिन तीसरा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स आता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स कभी नहीं आएगा, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल्स कभी नहीं आता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स आता है और एक ही आर्टिकल्स आता है जिसका नाम है आर्टिकल्स द, तो आपको याद रखना है, इसके अलावा कहीं कोई आर्टिकल्स लगा के दे तो आपको उस ऑप्शन को काट करके हटा देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इंटेलिजेंट के साथ क्या किया है, इसमें फार लगा दिया है, सॉरी इसमें मोर लगा दिया है, इसमें फार लगा दिया है, इसमें मच लगा दिया है और एक ऑप्शन दिख रहा है वह मोर लगा दिया है, तो आपको इंटेलिजेंट का देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है, हम आपको बता देते हैं। जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव में इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जब डिग्री में बेटर सॉरी कॉम्परेटिव की बात करेंगे तो इसमें मोर लग जाता है इंटेलिजेंट में और इसमें मच लग जाता है, हम अभी पढ़ के बता देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा इंटेलिजेंट लेकिन कॉम्परेटिव हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, लेकिन सुपरलेटिव हो जाएगा मच इंटेलिजेंट। अब बताइए कि इंटेलिजेंट के साथ यहाँ मोर लग सकता है, जी सर मोर आ सकता है लेकिन फार नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, मच आ सकता है मतलब सॉरी हाँ मच भी आ सकता है, मच पे रुकना है, अच्छा इसमें देखिए मोर भी आ सकता है मोर पे रुकना है। अब आपको देखना है कि डिग्री में क्या करते हैं हम लोग, जब कंपेयर करते हैं दो आदमी का कि सेकंड जो होता है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, ये कब आता है जब हम किसी का तुलना करते हैं, जब भी तुलना करने का बात आएगा तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं और उसके बाद जो यूज करते हैं वो देन का यूज करते हैं, टी एच ए एन किसका यूज करेंगे, टी एच एन देन का यूज करते हैं। अब देखिए किसमें देन का यूज किया गया, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर डी में देन का यूज नहीं किया गया, किसका यूज किया गया फ्रॉम का यूज किया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देन का यूज है और ऑप्शन नंबर सी में भी देन का यूज है। अब आपको देखना है कि दोनों में एरर क्या है,
अब देखिए कॉम्पलेटिव में क्या होता है कि आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में क्या होता है, आर्टिकल्स का यूज करना है। अब देखिए मच का यूज किया है हम, जस्ट बताया कि मच का यूज करेंगे इसमें, लेकिन किसके साथ, आर्टिकल्स द के साथ। इसमें आर्टिकल्स द का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये किससे आपको डिग्री से है, आप डिग्री का चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाए, आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप पढ़ के जाएगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा, और आप नहीं पढ़ के जाते तो आपका ऑप्शन छूट जाएगा, मतलब गलत ऑप्शन पर टिक लगा चला जाए, इससे आपका एक नंबर छूट सकता है। इसलिए आप अच्छे से स्टडी करके जाए। आइए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। ये आपको फ्रेज से क्वेश्चन है, फ्रेज एक बना हुआ सेंटेंस होता है जिसको उठा के आपको पुट करना है। That beware of false friends, आपसे पूछ रहा है इसमें क्या ऑप्शन होगा, कौन सा फ्रेज होगा। अगर आपको फ्रेज याद है तो आपको बनेगा, अगर फ्रेज आपको नहीं याद है तो आपको ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा above all हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, Dash I came to my house, the door was open। ये कह रहा है कि जब सेंटेंस जोड़ने वाला ही समझ लीजिए, जोड़ने वाला काम कर रहा है आपको, आपको पूछ रहा है कि Dash I came to my house, जब कोई मेरे घर में आया, मैं अपने घर में आया, the door was open, दरवाजा खुला हुआ था। तो शर्त डाल दिया है, शर्त डालने का मतलब when का बात रहा है, when I came to my house, the door was open, जब मैं अपने घर में आया तो दरवाजा क्या था, खुला हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा एक्चुअली वर्ब, इससे पहले भी एक्चुअली वर्ब से क्वेश्चन था, और एक्चुअली वर्ब में भी यहाँ पे आपको मॉडल्स दिख रहा है, मॉडल्स पुट करना है। वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, कह रहा है कि जब हम लोग अपने से बड़ों का आदर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं ना, कहने का मतलब जब भी आप किसी को सलाह देते हैं तो शुड का यूज करते हैं, SHOULD, शुड का हिंदी निकालिएगा तो इसका हिंदी निकलता है चाहिए, लेकिन शुड का यूज कब करते हैं, जब भी हम लोग क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। जब भी किसी को आप एडवाइस देंगे या सजेशन देंगे, तो एडवाइस या सजेशन का बात हो जाएगा तो आप क्या लगाइएगा, कौन सा मॉडल लगाना है आपको, शुड लगाना है। तो वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, मतलब हम लोगों को अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, मतलब वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हम लोग को बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, फिर क्या एक्टिव पूछ रहा है, मतलब इससे पहले दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे पैसिव दे दिया और एक्टिव पूछ रहा है। आप ट्रिक से बनाए तो आपको आराम से आंसर निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाइए तो कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा, हम ट्रिक से बताते हैं आपको। बस क्या याद रखना है भाई, इसका पांच ट्रिक याद रखना, उसी पांच ट्रिक से आपको एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। पांचों ट्रिक हम लिख देते हैं, आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पहला भर्त का पहला, अगर एक्टिव एक तरफ एक्टिव रहेगा और आपको पैसिव बनाना रहेगा, देखिएगा भर्त का पहला या भर्त का पांचवा दिख जाए कहीं भी क्वेश्चन में एक्टिव से पैसिव बनाते समय, तो उसका जो आंसर होगा वो इज अमार वाला होगा। बस आपको इतना याद रखना, आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि V1 V5 एक्टिव में है तो उसका पैसिव इज अमार होगा, या पैसिव में इज अमार है तो उसका एक्टिव V1 या V5 होगा। एक दूसरा बात, अगर भर्त का दूसरा कहीं दिख जाए कब एक्टिव में, तो उसका पैसिव जो होगा वो वाज वेयर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि पैसिव एक्टिव में क्या है, भर्त का दूसरा है तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, वाज वेयर हो जाएगा। तीसरा, जब क्वेश्चन में आपको सेल, सेल को छोड़िए ना, शॉर्ट पर ट्रिक दे देते हैं आपको, मॉडल से डाल देते हैं पूरा एक बार में, तीनों कंप्लीट हो जाएगा। जब भी कोई मॉडल लिखे, मॉडल मतलब कैन कुड मे माइट सेल विल शुड, ये सब जो होता है टोटल 13 मिलेगा आपको, उस सारे का सारा का जो पैसिव होता है वो आपका बी हो जाएगा, बी लगा के बनाना। जैसे हम कह रहे हैं कि कैन होगा तो कैन भी हो जाएगा, सेल होगा तो सेल भी हो जाएगा, विल है तो विल भी हो जाएगा। चौथा, अगर क्वेश्चन में मतलब एक्टिव में हैज होगा, हैव होगा या हैड होगा, तो इसका जो पैसिव बनता है वो बिल लगा करके बनता है। तो आप यहाँ से चार रूल करके याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और होता है, कुछ एडवांस रूल भी होता है वो भी आप याद रख सकते हैं। जैसे एक और हम आपको डिस्कस कर सकते हैं, जैसे भर का चौथा रूप, कहने का मतलब भर का चौथा V4 लिखा रहेगा एक्टिव में तो उसका पैसिव हो जाएगा बींग हो जाएगा। और एक बात और आपको याद रखना है, इस सारे जो पैसिव इधर रूल लिखे हम एक्चुअली भर लिखे है, इस सब के साथ हमेशा भर का तीसरा यूज करना है, क्योंकि पैसिव का कॉन्सेप्ट ही होता है। अगर आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, एक्टिव से कहां बदलते हैं, पैसिव में,
तो आपको भर का तीसरा रूप यूज करना है। तो ये आपका ट्रिक हो गया, ये आपका भर का क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो इस तरीके से आप अच्छे से नोट कर ले और याद कर ले इसको, क्योंकि इसी पांच ट्रिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। आपका जब एग्जाम होगा तो एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन देख ले और यहाँ से मेरे ट्रिक से मिला ले, सेम टू सेम रूल आपके एग्जाम में लिखा रहेगा। बस आप क्या कीजिए, अच्छे से याद करके जाइए। अब इसको बना करके देखते हैं यहाँ से बनता है कि नहीं बनता। आपको क्या करा है, इसमें से देखना है, इधर एक्टिव है इधर पैसिव है। तो बस इधर वाला पहले दे दिया और इधर वाला इसमें ऑप्शन में दे दिया, खोजना है। तो देखिए हैज के साथ क्या लगाया गया, बिल लगाया गया। इसका मतलब हैज के साथ क्या लगता है, बिल लगता है। अब आपको क्या खोजना है, इधर खोजना है, मतलब बिल को रिमूव कर देना है, तो एक्टिव में आ जाएगा वो। अब किस में देखिए बिल नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में क्या आपको बिल नहीं लिखा लेकिन हैज लिखा हुआ है, टेंस नहीं बदलता है, इस बात को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं, बी में बिन नहीं लिखा होगा, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, इस पर टिक लगा कर रखिए अभी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सी में डिड लिख दिया, तो डिड कभी नहीं होगा, काट दीजिए। इसमें क्या किया है, अब देखिए ये भी सही हो सकता है क्योंकि हैज और हैव दोनों हो सकता है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बताइए कि क्या करते हैं, जब हम लोग एक्टिव में लाते हैं तो जैसे बाय यू था, तो इसको जो लाइन है वो सब्जेक्ट के स्थान पे, तो बाय यू बदल के क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब देखिए किसमें आपको हैज सॉरी यू के पहले क्या लगता है, हैव लगता है। अब आपको ये देखना है किसमें हैव यू से स्टार्ट किया गया, तो हैव यू से किसमें स्टार्ट किया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप अच्छे से एक बार वीडियो को देखें और याद करने का भी कोशिश करें। और ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को, ये आपको क्वेश्चन है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कुछ फिर प्रीपोजिशन होता है, उसको आप क्या करें उसको याद करके रख ले। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सी इज केयरफुल डैश हर स्टडी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अबाउट हर स्टडीज। आप क्या करें, जो आपके एग्जाम में कोई बुक होगा आपके पास ना, तो वहां से प्रीपोजिशन को रट ले, प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपका प्रीपोजिशन क्वेश्चन अच्छे से बने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश देयर फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। आपको क्या करना है, पजेसिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है, आपको दे का दिख रहा है, दे का क्या होगा यहाँ पे, क्या पुट करें यहाँ पे दे का बताइए। तो आपको याद रखना दे का जो पजेसिव होता है वो एक से ज्यादा, कहने का मतलब सबका अलग अलग अपना होता है। जैसे आपको नहीं पता है तो अच्छे से यहाँ नोट कर लीजिए, आइए हम दिखाते हैं। जैसे हम बोल देते आप लिखिए, जैसे आई का अपना माई होता है, जैसे सी का अपना हर होता है, ही का अपना ही जो होता है, उसी तरीके से दे का अपना डियर होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दे का अपना क्या हो जाएगा, डियर, टी एच ई आई आर, सही से देख ले, टी एच ई आई आर डियर। तो दे का अपना क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टी एच ई आई आर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम 2000 प्रोबेबली द डैश कर्टेंस इन द स्टोर, ये आपका क्वेश्चन डिग्री का क्वेश्चन है, डिग्री डिस्कस किया भी हम। डिग्री में क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखिए आर्टिकल द का पुट करना है, जस्ट बताया है कि पॉजिटिव डिग्री में आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपको पता चलेगा फैंसीएस्ट, ये क्या आपको सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फैंसीएस्ट हो जाएगा। ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज, विदाउट का यूज करना है। पहले विदाउट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, विदाउट आपको क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको कभी भी कोई वर्ब यूज करना है तो आप वर्ब का सिर्फ वर्ब का वन नहीं v1 प्लस ing फॉर्म यूज कीजिएगा, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म भी आपको यूज करना है, v4 यूज करना है। तब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेकिंग। आपको वर्ब का चौथा फॉर्म पता होगा, जैसे v1 होता है प्ले, दूसरा प्लेइंग, तीसरा प्लेइंग, चौथा प्लेइंग, पांचवा प्लेइंग, तो आपको चौथा यूज करना है, आईएनजी वाला यूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 का। फेट स्मॉल्स डैश प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो आपको बोले कि प्रीपोजिशन आप अच्छे से क्या कीजिएगा, स्टडी करके जाइएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको और हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका क्वेश्चन टैग से। अगर आप क्वेश्चन टैग अभी तक नहीं पढ़े तो आप क्वेश्चन टैग को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर इधर निगेटिव रहे तो उधर पॉजिटिव होता है। तो इधर आपका क्या है, ई वॉन्ट लिखा है, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको विल इट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग, कहने का मतलब
आप अपना हेल्थ बना सकते हैं, अच्छा हेल्थ बना सकते हैं। कब? अगर आप एक्सरसाइज को करते रहिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हेल्थ बन सकता है। तो बताइए, जब भी कोई चीज बनने की बात आ जाता है तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। कहने का मतलब आप इसका आंसर हो जाएगा यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ, आप एक अच्छा हेल्थ बना सकते हैं अगर आप क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, माय फ्रेंड राइट्स अ नॉवेल। कहने का मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो या तो डोंट से बनाइए या तो डजंट से बनाइए। अब बताइए, या तो डज नॉट होगा, अच्छा इसमें विल नॉट है, इसमें कैन नॉट है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या, ये देखिए कि डज के साथ वर्ब का कैमा यूज कर दिया गया है, वी टू यूज कर दिया गया। आप यहां से अभी याद करके रखें हमेशा कि वर्ब डू हो या डज हो या डिड हो, ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं लेगा। यहाँ क्या किया है कि डज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, दूसरा फॉर्म यूज किया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप याद रख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हमारा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19। आप कितनी बार, ये फिक्स प्रीपोजिशन में क्वेश्चन, आप कितनी बार सुनी होगा कि कोविड-19 का बहुत सारे लोग शिकार हो गए, तो विक्टिम ऑफ कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 33 का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। कहने का मतलब चार ऑप्शन दिया गया जिसमें से एक क्वेश्चन क्या गलत है, आपको कैच करना है ये कौन सा गलत है। जैसे यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स का क्वेश्चन अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो एनएनसीसी ऑफिसर होता है, दिवाली जब फेस्टिवल होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, आर्टिकल 2 लगा है, ठीक है चलेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 का जो डी ऑप्शन है ये गलती होगा, बिना देखे ही बता दे, क्योंकि ये तीन सही था, ऑटोमेटिक चौथा नंबर क्या हो जाएगा, सही गलती हो जाएगा। आपको देख करके बताना है कि क्या एरर है उसमें। इसमें देखिए क्रिकेट के पहले क्या कर दिया, 2 लगा दिया है, तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट के पहले क्या होगा, 2 नहीं लगेगा। आप सीधे बोल सकते हैं डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट पसंद है, आप ऐसे नहीं बोल सकते डू लाइक द क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, आई डैश अ बुक व्हेन ही केम। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं इसका कि व्हेन के बारे में पूछ दिया आपको, व्हेन से 2 क्वेश्चन था, एक तरफ अगर भर का दूसरा हो तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है, वाज वेयर के साथ भर्ब का चौथा पुट कर देना, ये आंसर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आपका भर्ब का क्या नाम है, दूसरा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पकड़ने वाला, देखो आपको हिंट देगा, आपको हिंट यहाँ दे चुका है व्हेन, इधर क्या लिखा है आपको, भर्ब का दूसरा लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, देख लीजिए यहाँ क्या होगा, वाज वेयर के साथ क्या होगा, भर्ब का चौथा। देखिए वाज वेयर के साथ भर्ब का चौथा कहाँ लिखा हुआ है, सर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 36 में स्पेलिंग पूछा है हमारा। मेरे घर के बगल में एक मुंशी दादा का दुकान है, वो मेडिसिन लिखते हैं, वो लिखते हैं MEDICINE। अब बताइए क्या लिखते हैं, तो MEDICINE, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी लिखते हैं, अब नहीं रहे चले गए हैं, आपको याद रखना है दवा लिखते थे, क्या लिखते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोगों ने 36 क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 36 तक अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मॉडल पेपर में क्या किया है, क्वेश्चन संख्या इसको बढ़ा दिया गया ना, तो जो जोड़ा गया वो नीचे जोड़ा गया। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 तक आपको ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन है, सेक्शन ए में, लेकिन 37 से आपको क्या है, किताब का क्वेश्चन है, जो किताब का क्वेश्चन का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हमने। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप जाकर के देख रहे हैं, या नीचे हम कॉमेंट में आपको नीचे आपको हम क्या करते हैं, जो सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के जो आगे किताब का क्वेश्चन है उसका लिंक हम डलवा देते हैं, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को अच्छे से देख ले। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 प्रीपोजिशन से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है किरण डील्स डैश शुगर, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है। इसका जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरण डील्स इन शुगर, तो आप टिक लगा सकते हैं आंसर में क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में आप छोटा मोटा बात याद रख सकते हैं कि इसमें टेंस वगैरह नहीं बदलता है और अच्छा कंजक्शन लगा करके उसको अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग।
विदाउट के साथ हमेशा वर्ब का चौथा रूप यूज करते हैं, तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं कि 62 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 है एक्जिलरी वर्ब से क्वेश्चन। वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया। वर्ब बोले थे हम लोग दो टाइप से होता है, मेन वर्ब और एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब से पूछा गया है कि डैश अराइव टुमोरो, टुमोरो आने की बात है, मतलब कल आने की बात है। तो जब टुमोरो का बात हो जाएगा, हम यहाँ देखते हैं टुमोरो का जो ट्रिक है वो हम आपको लिख देते हैं। टुमोरो क्या कहता है कि टुमोरो आपको या तो सेल भी लगा सकते हैं या वी ऑन या वर्ब का पांचवा रूप भी लगा सकते हैं। सेल विल भी लगा सकते हैं और वी ऑन या वी फाइव भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेल विल कब कीजिएगा, जब अनफिक्स का बात हो, मतलब कोई फिक्स ना हो। लेकिन वी वन वी फाइव कब अप्लाई करेंगे, जब आपको कोई चीज फिक्स हो। जैसे हम बोलेंगे कि पवन एक्सप्रेस 1:10 पर मुंबई के लिए खुलेगी, तो वो फिक्स है खुलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगा, तो वो आपको फिक्स हो जाता है। इसका मतलब वहां क्या अप्लाई करेंगे, वर्ब का पहला या पांचवा। लेकिन जब हम बोलेंगे कि मान लीजिए वह कल पहुंचेगा, तो कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है वहां नहीं आए, इसका मतलब अनफिक्स है। अनफिक्स के लिए क्या यूज करते हैं, सेल या विल। और एक बात और याद रखना है कि सेल विल हमेशा अपने बाद, कभी भी आपको अगर बात हो सेल का या बात हो विल का, तो सेल विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये देखिए एक बात और समझिए, यहाँ सेल है और विल है, और यहाँ भी ऑप्शन बी और डी में देखिए सेल है और विल है। आपको कंफ्यूजन होगा कि सर कहाँ पे सेल लगता है और कहाँ पे विल लगता है। समझ लीजिए, जब भी बात होगा आई का, जब भी बात होगा वी का, तो आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज करते हैं। लेकिन बाकी कोई भी हो, बाकी सब आई और वी को छोड़ करके बाकी सब के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, तो विल का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, मतलब सेल नहीं होगा, मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आंसर तो हमको पता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन उधर देखते हैं कि हैड और हैज क्यों नहीं होगा, तुक्का लगाने की बात कहते हैं। हैड और हैज क्यों नहीं होगा ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा, गांधी जी के कितने बंदर थे हमको ये बताइए। तो गांधी जी के आप कहिएगा सर गांधी जी के कि 3 बंदर थे, उसी तरीके से मेरे पास भी 3 बंदर है, एक हैज, दूसरा हैव और तीसरा हैव। अब ये देखिए कि हैज, हैव और हैड कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब है कि 3 हैं, तो जैसे गांधी जी का बंदर क्या खाता है, केला खाता है। लेकिन ये जो मेरा 3 बंदर हैज, हैव और हैड, ये केला नहीं खाता, ये भर्व खाएगा। अब सर भर्व तो 5 होता है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो सर कौन सा डाले यहाँ पे। अब आप ही बताइए, एक इसको देना, मतलब 3 देना, इसका मतलब 3 देंगे तो तीनों आपस में झगड़ा नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा भर्व देना, 3रा देना है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि कभी भी हैज दिखे, हैव दिखे और हैड दिखे, और पूछे कि इसके साथ कौन सा वर्ब अप्लाई करते हैं, तो हमेशा वर्ब का 3रा अप्लाई करते हैं। तो इसका देखिए कि हैड लिखा हुआ और यहां वर्ब का पहला फॉर्म लिखा गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्यों गलती है, हैज लिखा है, और देखिए हैज का क्या रूल है कि हैज हमेशा अपनी बात क्या लेता है, वर्ब का 3रा लेता है। लेकिन यहां वर्ब का क्या लिखा है, पहला लिखा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। कहने का मतलब जो नरेशन होता है वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको डायरेक्ट से कहां ले जाना है, इनडायरेक्ट में ले जाना है। आपको देखना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले ये देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको डिलीट करना रहता है। कैसे डिलीट करेंगे, जब आप इसको डिलीट करते हैं, जब आप इसको डिलीट करते हैं, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 को अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है, 2 को। 2 को कब अप्लाई करते हैं वो बात को समझिए। जब भी आपका क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस का हो, किसका हो, इंपरेटिव सेंटेंस का, और इंपरेटिव मतलब 3 आदमी का बात हो रहा है, किसका, एक रिक्वेस्ट वाला हो सकता है, एडवाइस वाला हो सकता है या ऑर्डर वाला हो सकता है। यह कह रहा है कि वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत कीजिए, मतलब एडवाइस का बात कर रहा है। तो जब भी एडवाइस का बात होगा, इसके साथ जो कंजक्शन यूज करना है वो 2 का यूज करना है। इसका मतलब जिसके साथ 2 लगा होगा वो सही होगा, बाकी सब एरर हो जाएगा। अच्छा इसमें देखिए 2 का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, और सेट के बदले में
एडवाइस का यूज करेंगे। कहने का मतलब निर्देशन में क्या होता है, अगर आप सेट लिखा रहेगा तो सेट के बदले में आपको एडवाइस का यूज करना है, एडवाइस का। अब देखिए एडवाइस किसमें लिखा हुआ है, तो सर इसमें एडवाइसिंग कर दिया है, गलती हो जाएगा। इसमें क्या कर दिया है, आई हैव टोल्ड, इसमें कुछ और कर दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारा प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन क्या है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है। आपसे यहाँ कैपेबल दे रहा है और कह रहा है यहाँ इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो आप याद रखें कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन है 65 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ही डैश अ पोएम नाउ, ये आपको टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है, सिंटेक्स भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं, या सिंटेक्स कह सकते हैं, या टाइम एंड टेंस कह सकते हैं। आपको थोड़ा सा हिंट्स मिलेगा, बस उस हिंट्स को कैच करना है। यहाँ दिख रहा होगा आपको नाउ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नाउ के साथ कौन सा टेंस यूज करेंगे, बस आपका आंसर आपके हाथों में रहेगा। जैसे देखिए आप याद रखें कि जब भी बात होगा किसका, नाउ का, तो नाउ के साथ आप हमेशा इज़म वर्ब यूज करें और वर्ब का चौथा रूप याद करें। बस नाउ दिख जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, इसके साथ आपको इज हमारे साथ भर का क्या यूज करना है, चौथा यूज करना है। अब देख लीजिए यही के साथ इज होगा, इज लिखा हुआ है ठीक है, उसके बाद भर का क्या यूज करना है, चौथा यूज करना है। यहाँ रिड्स लिखा गया है मतलब गलत होगा, हैज के साथ रिड है ये सही होगा, लेकिन ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर गलती हो जाएगा क्योंकि नाउ लिखा हो गया, यहाँ हैड लिखा गया मतलब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब चार ऑप्शन दिया गया है, एक सही चूज करना है, देखते हैं तीन कौन सा गलत है। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, रिज्यूमिंग नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। अब हम अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, स्टॉप डैश। अब देखिए चार को भर दे दिया गया आपको टेंस के अनुसार, अब आपको चूज करना है स्टॉप के बाद कौन सा वर्ब यूज करेंगे। सबसे पहले स्टॉप का कॉन्सेप्ट समझिए, स्टॉप का जो कॉन्सेप्ट होता है ये स्टॉप वर्ब होता है, और इसके बाद ये किसी भी काम को बंद कर देता है या काम को रोक देगा, सॉरी कहने का मतलब बंद कर देगा या रोक देगा। लेकिन एक और वर्ब होता है जैसे स्टार्ट, तो ये सब के लिए कंडीशन है, जैसे आप एक और सुने होगा कीप, ये सब के साथ कंडीशन है, मतलब इसके साथ जब यूज करना है वर्ब का चौथा यूज करना है। जैसे हम बोल के बताते हैं, जैसे बोलेंगे लिखना बंद करो तो आप बोलेगा स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। जैसे बोलेंगे बोलना शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट स्पीकिंग, बोलेंगे कि पढ़ना शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट रीडिंग। लेकिन बोलेंगे यहाँ बोला गया है स्टॉप वर्क, काम करना बंद कर दो तो स्टॉप वर्किंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टॉप वर्किंग। यहाँ पास्ट है कुछ नहीं, तीनों का पास्ट करेंगे तो पास्ट तो करने आता ही है, स्टॉप का स्टॉप, स्टार्ट का स्टार्टेड, कीप का कैप, तो यहाँ स्टॉप का क्या कर दिया गया है स्टॉप। अब भर्ब का क्या यूज करेंगे, चौथा। तो बस आपको देखना है जिस ऑप्शन में भर्ब का चौथा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। अब पहले आर्टिकल्स के बारे में आपको बता चुके हैं कि कभी भी बात हो सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल्स आता है या ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल्स आता है। सब्जेक्ट के पहले बात हो तो द को उठा के लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के पहले बात हो तो ए और एन में से एक को उठा के पटक दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखना आपको, जब ए और एन का बात होगा तो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, वो ए ई आई ओ यू वाला नहीं, गलत कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट कौन सा है, क वाला, क के पहले क्या उठा के पटकना है तो एन को, उसके बाद क्या उठा के पटकना है तो ए को। बस यहाँ चेक कर रहा है एरो, क्या लिखा हुआ आपको एरो, एरो कैसे लिखना है स्टार्ट कीजिएगा ए से। अब बताइए ए स्टार्ट कीजिएगा मतलब क से पहले की क के बाद, क से पहले, तो क के पहले के लिए क्या लगाएंगे, एन को अप्लाई करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको स्पेल वर्ड पूछा है, स्पेलिंग पूछा है, स्पेलिंग कौन सा सही होगा, बैगेज का स्पेलिंग पूछा है। पहले ये समझिए बैगेज का मतलब क्या होता है, ऐसे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर बांधकर, आप कभी सुने होइएगा घर समय नहीं देखते हैं कि दो गो पुतो झगड़ा करती है आपस में तो एक पुतो बोरिया बिस्तर लेकर के बाहर चली जाती है। मेरे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता होगा, आप क्या कीजिएगा, आपके घर में होता है कि नहीं होता है कमेंट करके आपको बताना है। मेरे घर में तो होता है, मेरी दो गो पुतो होगा दोनों क्या करती है, आपस में झगड़ा करती है, छुटकी वाली से बोरिया बिस्तर लेकर घर के बाहर पहुंच जाती है कि जाए हम नहीं है। अब बताइए कि बात बात पे बुढ़िया बिस्तर लेकर के बाहर चले, मतलब क्या हो जाती है, बैगेज हो जाती है। बुढ़िया बिस्तर बांध करके कहाँ निकल जाती है, घर से बाहर, कहाँ जाने के लिए, नैहर जाने के लिए। अब ध्यान रखिएगा अगर आपके घर में होता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, आई डिड नॉट किल द डॉग, ये पैसिव है, बहुत सारा एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन मिल रहा है।
अगर आप अभी तक एक्टिव पैसिव बनाने नहीं आता है तो अभी भी टाइम है, काफी टाइम है, आप जाकर के किताब खोल ले, उसमें जितना भी एग्जांपल दिया होगा एक्टिव पैसिव का, नहीं तो क्वेश्चन बैंक खरीद ले, क्वेश्चन बैंक में एक्टिव पैसिव का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2009 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन को अपने से बैठ करके क्वेश्चन लिख करके और सारे को एक्टिव से पैसिव में बदलने का कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट फंसता नहीं बनता है तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को लिख करके हमको कमेंट कर सकते हैं ताकि उसका आंसर बना करके हम आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पैसिव बनाने के लिए बोला एक्टिव से पैसिव, उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना, जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रिक बता देते हैं, कॉन्सेप्ट छोड़े ट्रिक से काम चला लीजिए, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डीड लिखा हुआ है, डीड भर्ब का क्या नाम होता है, दूसरा होता है, अब भर्ब का दूसरा कभी भी दिखे जब एक्टिव से पैसिव बनाने का बात हो तो कुछ नहीं, ऑप्शन में वाच वेयर वाला खोजना है, तो देखिए वाच वेयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाज वेयर खोजना है, क्या खोजना है, वाज या वेयर, तो बी टू का आंसर क्या हो जाएगा, वाज वेयर। अब देखिए डिड लिखा हुआ है मतलब बी टू लिखा है, इसका आंसर वाज वेयर होगा, वाज वेयर आपको कितना में दिख रहा है, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब तीन में दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी सब जो करते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर एक्टिव निगेटिव हो तो पैसिव भी निगेटिव बनेगा, इसका मतलब यहाँ जो निगेटिव सेंटेंस है इसका पैसिव क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, मतलब वाज तो आएगा लेकिन वाज वेयर के साथ क्या आएगा, नॉट आएगा, तीनों में वाज दिखा है। अच्छा अब आपको देखना है कि भर्ब का तीसरा यूज करना है, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें भर्ब का क्या यूज करना है, भर्ब का तीसरा यूज करना रहता है। अब देखिए किसमें भर्ब का तीसरा नहीं यूज किया गया, यहाँ देख सकते हैं आप बी नंबर ऑप्शन में तीसरा नहीं किया गया, भर्ब का पहला यूज किया गया, मतलब ये गलत है। अच्छा तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए इसमें भी क्या है, पहला ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक दो बात और याद रख सकते हैं आप, यही याद करके रखिए, बहुत काम देने वाला है ये, समझिए ना एग्जाम का मंत्र है, लिख के रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी बात होगा वाज या वेयर का, जब भी बात होगा इज का, जब भी बात होगा एम का, जब भी बात होगा आर का, ये सब क्या होता है, भर्ब का सब रूप नहीं लेता, जिसे बोले थे ना कि पांच को मुंडी होता है, v1 v2 v3 v4 और v5, सब मुंडी नहीं लेगा, गिन करके दो का मुंडी उठाएगा, पहले कौन सा नहीं उठाएगा वो लिख देते हैं, ये कौन नहीं उठाएगा, कभी भी v1 नहीं उठाएगा, कभी भी v2 नहीं उठाएगा, कभी भी v5 नहीं उठाएगा, ये तीनों कभी नहीं उठाएगा, सिर्फ दुए को उठाएगा, क्या उठाएगा, तो भर का तीसरा उठाएगा और भर का चौथा उठाएगा, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला आपका। देखिए वाज वेयर के साथ क्या किया गया, यहाँ देखिए वाज वेयर के साथ क्या है, पहला उठा दिया गलत हो गया, यहाँ देखिए वाज इज के साथ सही है, इज के साथ है, यहाँ देखिए वाज के साथ क्या उठा दिया, पहला उठा दिया गया, इसका मतलब गलती हो जाएगा, देखो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा एन इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, जहां पे चिड़िया को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, आपको पता होगा कि जहां पे चिड़िया को रखा जाता है उसको एवियरी कहते हैं, इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है द सिनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड का समानार्थक पूछा है, सेम टू सेम, तो काइंड का मतलब क्या होता है, दयालुता, उसी तरीके से ह्यूमन का मतलब भी क्या होता है, मानवता, दयालुता, सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, फिर 74 में क्या पूछा, वॉइस पूछा है, एक्टिव से पैसिव पूछ रहा था, पैसिव से एक्टिव दोनों मिला करके पूछ रहा है, चार पांच क्वेश्चन पूछे गए आपसे, यहाँ पे एक्टिव पूछ रहा है मतलब क्या, ये पैसिव दिया होगा। अब देखिए सिंपल बनाने का ट्रिक बताते हैं आपको, बस ये देखिए भर्ब को देखना, आपको नजर भर्ब से हटना नहीं चाहिए, हैज बीन लिखा हुआ है तो बीन किसके साथ आता है, आप पीछे देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके, उसमें लिखा है ना कि बीन किसके साथ, हैज या हैव के साथ बीन लगता है, तो बस आपको याद रखना है कि पैसिव में एक्टिव में हैज हैव होगा तो पैसिव में बीन हो जाता है, तो पैसिव में बीन किया गया इसका मतलब एक्टिव में क्या होगा, या तो हैज होगा या तो हैव होगा। अब देखिए किसमें हैज है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन और बात देखिए आप थोड़ा सा, जैसे कहने का मतलब कि मे का पैसिव क्या होता है, देख लीजिए मे का पैसिव क्या होगा, मे का पैसिव मे में क्या लगता है, बी लगता है, हैड टू है, एक रूल और याद रखिए कि हैड कहने का मतलब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद अगर टू लिखा हो, किसके बाद इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद अगर टू लिखा हो तो इसका जो पैसिव होगा वो बी लगा करके बनाते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द एंटोनिम ऑफ बोरो इज, पूछा है किसका, बोरो का एंटोनोम पूछा, विपरीतार्थक पूछा, बोरो मींस क्या होता है, उधार लेना, और लेंड मींस क्या होता है, उधार देना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है,
मनोज इज प्राउड दैट हिज वेल्थ, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में कौन सा प्रीपोजिशन? तो फिक्स प्रीपोजिशन। प्राउड के साथ हमेशा जब भी आपको यूज करना हो तो ऑफ का यूज कीजिएगा। प्राउड ऑफ नहीं बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे पर नाज है, तो क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। और भी बहुत सारा, जैसे अगर आपसे पूछे सटिस्फाई, तो सटिस्फाई के साथ आप क्या लगाइएगा? विथ लगाइएगा। इसी तरीके से बहुत सारा फिक्स प्रीपोजिशन होता है, उसके साथ आप यूज करेंगे। तो यहाँ प्राउड पूछा है तो प्राउड के साथ क्या लगाइएगा? ऑफ लगाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ही डज टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। ये आपको टाइम इंटेंस का क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाना है। आप याद करें या कॉपी में लिख ले, हम तो बोले कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी खोल करके पेन लेकर के सारे वीडियो में जितना बात बताया है सबको एक एक करके लिखे ताकि आपको याद हो जाए। फोर और सिंस में क्या करते हैं, इस बात को आप समझ गए क्वेश्चन में गर्दा उड़ा दीजिएगा। जब भी फोर और सिंस का बात होगा तो आपको याद रखना है फोर और सिंस के साथ दो ही कॉन्सेप्ट लगता है, या तो हैज लगा या तो हैव लगा है। और हैज और हैव के साथ क्या अप्लाई करना है? आपको बीन अप्लाई करना है। कहना ये चाह रहे हैं कभी भी क्वेश्चन में आपको फोर और सिंस देखे तो फोर और सिंस के साथ या तो आपको हैज बीन या तो आपको हैव बीन का यूज करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको फोर दिख रहा है ना, फोर दिख गया इसका मतलब या तो हैज बीन या तो हैव बीन। अब आपको दो दिख रहा है, बाकी तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में हैज बीन है और ऑप्शन नंबर बी में हैव बीन है। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि ही के साथ हैज बीन आता है कि ही के साथ हैव बीन आता है। तो ही सिंगुलर होता है इसलिए उसके साथ हैज बीन आता है, क्योंकि जहां जहां इज यूज करते हैं वहां वहां आपको हैज बीन यूज करना है, और जहां जहां एम और आर यूज करते हैं वहां वहां आपको हैव बीन यूज करना है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 और से क्वेश्चन पूछा है, आपको कह रहा है इनमें से कौन सा ऑड है। कहने का मतलब नहीं होता है, कभी कभी आप किसी को इनवाइट करते हैं, मर्दे दफा निमंत्रण है, एगो मोगियो पहुंच जाती है, बस वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक कैटेगरी में राइस आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, व्हीट आ जाएगा, लेकिन ग्राम का बात हो जाए तो ग्राम ऑड हो जाएगा। इसका मतलब तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी तीनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप याद रखें क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, समटाइम्स इट डैश हेवी। समटाइम्स आप याद रखें, जब भी बात होगा समटाइम्स का मतलब कभी कभी का, इसके साथ हमेशा आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का अप्लाई करें, मतलब वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा। अब बताइए कौन सा वर्ब का पहला होगा या पांचवा होगा? तो इट को देखिए, पहले पहली बात ये कट जाएगा, ऐसे भी रेनिंग है वर्ब का चौथा है, कभी भी अकेले नहीं आता है, अकेला या दुकेला, तो कुछ वर्ब होता अकेला और कुछ वर्ब होता दुकेला। जैसे हम बता देते हैं वर्ब का पहला, वर्ब का पांचवा और वर्ब का दूसरा, ये होता है अकेला भर। अकेला भर कहने का मतलब कि जब भी आएगा कैसा आएगा? अकेला आएगा। लेकिन कुछ भर्ब होता है दुकेला, जो दो लेफ्ट हो गया, कौन कौन? भर्ब का तीसरा और भर्ब का क्या मतलब चौथा, ये होता है आपको दुकेला। जब भी आएगा किसी ना किसी के साथ आएगा, कहने का मतलब हेल्पिंग भर्ब के साथ आएगा। अब देखिए अकेले उसको उठा के पटक दिया, ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी गलती हो जाएगा आपको। हैज के साथ रेन कर दिया, इससे पहले जस्ट बताया, वीडियो थोड़ा देर पहले बैक करके आप देख लीजिएगा, हैज हैव और है के साथ हमेशा भर्ब का तीसरा लगता है, या भर्ब का क्यामा उठा के पटक दिया। सर पहला पटक दिया, क्यामा आना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, ये भी गलती है। अब देखते हैं इट के साथ वी1 आएगा कि वी5 आएगा। तो आपको नहीं पता तो अच्छे से याद कर ले कि इट के साथ हमेशा क्या आएगा? वी5 आएगा। कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, कॉपी में उतार लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। कभी भी क्वेश्चन में आपको ही दिखे, सी दिखे, इट दिखे, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे, सिंगुलर कहने का मतलब एक दिखे, आप उसके साथ हमेशा भर्ब का पांचवा अप्लाई करें। लेकिन इसके अलावा कोई दिख जाए उसके साथ भर्ब का पहला अप्लाई करें। जैसे मैं यहां लिखते हैं, जैसे आपको आई दिखे, वी दिखे, यू दिखे, दे दिखे, और कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट दिख जाए इसके साथ हमेशा भर्ब का क्या अप्लाई करेंगे? पहला अप्लाई करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इट के साथ देखिए यहाँ लिखे है, इट के साथ क्या लगता है? भर्ब का पांचवा, मतलब भर्ब का पांचवा मतलब क्या? रेन नहीं, रेंज। तो बताइए इट के साथ क्या होगा? रेंज होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मम्स इज अ डेंजरस। मम्स एक बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस एक बीमारी आजकल पूरे भारत में फैल गया, भारत ही क्या पूरे विश्व में फैल गया है, इसलिए उसी प्रकार का मम्स एक बीमारी है। तो जिस बीमारी का मतलब क्या? डिजीज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजीज। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81, ही लिव्स इन अ डैश हाउस। कह रहा है कि वह रहता है कहां रहता है? स्मॉल हाउस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सी इंसिस्ट डैश लिविंग इमीडिएटली, ये भी आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो हम आपको पहले बोल चुके हैं कि याद कर लेना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, यू हैव टू डैश इट। देखिए टू का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टू का कॉन्सेप्ट होता है इसके बाद आप जब भी उठाए भर का पहला फॉर्म उठाइए, तो जो भी भर का पहला फॉर्म होगा वो आपका आंसर होगा। अल्टर हैव वाला फॉर्म, लेकिन अल्टर नहीं होगा। जैसे अफेक्ट, अफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं, इफेक्ट होता है। और एक है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट। जैसे बोलते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट इट, मतलब आपको इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो का। आइए देखते हैं, डू नॉट वॉक डैश, कह रहा है कि आप लोगों को नहीं घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, टहलना चाहिए, किधर, इधर उधर। इधर उधर का मीनिंग समझिए सबसे पहले, अभी तक जब पहले जो पढ़ते थे इधर उधर का मीनिंग, इधर उधर का मीनिंग हियर एंड देयर होता था, लेकिन आजकल मीनिंग क्या बोले, नया नया वर्ड सही बहुत सारा आ रहा है। तो हियर एंड देयर का ही दूसरा सिनोनिमस है जिसको हिदर एंड दिधर कहते हैं, उसका मतलब ये होता है इधर उधर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डू नॉट वॉक हिदर एंड दिधर, मतलब इधर उधर नहीं टहलने की बात कर रहा है। तो देखिए टोटल 84 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है, और कुछ बुक का जो क्वेश्चन था पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसका जिसका वीडियो अभी तक आपने अभी तक नहीं देखा, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देते हैं, उसको देख लीजिएगा। ये ग्रामर सेक्शन का है जो वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, इसको भी आप देख लें, और सारे वीडियो को एक बार फिर से एक साथ देखें लय में, ताकि आपको एक एक बात याद हो जाए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ताकि आपको हेजिटेशन ना हो वहां पे कि क्या आंसर देना है क्या नहीं देना है। और जितना भी ट्रिक हम अप्लाई किए, सारे ट्रिक को आप दो बार तीन बार देखें और कॉपी में नोट करें, ताकि आपको याद हो जाए। एक बार याद हो जाएगा एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगा। और एक बात और प्लेलिस्ट में जाएगा तो बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा, सारे वीडियो को एक एक करके देखें जो भी इंग्लिश से रिलेटेड है, क्योंकि आप इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है उसी में से कोई क्वेश्चन उठा करके पूछ दे, इसलिए आप सारे वीडियो को अच्छे से देख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।